ये देख लीजिए, जैसा कि बोलते हैं सबसे फेमस हाईवे। ओके, इस हाईवे पे हमेशा 24 घंटा गाड़ियां चलती रहती हैं दोस्तों, कभी भी बंद नहीं होती हैं, चाहे रात हो या दिन हो, बराबर चलती रहती हैं। ओके, बस हो गया, ट्रक हो गई, बाइक हो गए, एनी भी टाइम। ओके, रात को कम से कम ज़्यादा ज़्यादा बड़ी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन ये हाईवे कभी भी एक मिनट के लिए भी है, या बोला जाए तो 10 सेकंड के लिए भी है, बंद नहीं, हमेशा इस पर आती जाती रहती हैं गाड़ियाँ। ओके दोस्तों, पहले दोस्तों आप लोग हाईवे के बारे में जान लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे वह कॉलेज कौन सा है, उसके अंदर चल के दिखाएँगे। ओके, उसकी फैसिलिटी क्या है उसके बारे में बताएँगे। ओके माई डियर, तो हमारे दोस्तों यह हाईवे है जो कि इसके बीच में फूल और पौधे अच्छे अच्छे वैरायटी के लगाए गए हैं दोस्तों। ओके, और फ्रेंड चलिए और आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों गाड़ियाँ कितनी तेज़ी से जा रही हैं। माई डियर फ्रेंड, ओ फ्रेंड देखो, आजकल के जो लड़के हैं, जो लड़के रहते हैं, बाइक इतना तेज़ चलाते हैं, जैसा कि आप लोग देख लीजिए फिर सामने से बाइक इतना तेज़ गई, देख लीजिए इतना तेज़ जाते हैं, यदि उन लोगों को अंदर समझदारी आनी चाहिए फ्रेंड, बट क्या करें दोस्तों, इस सिचुएशन में जी रहे हैं कि क्या बताएं, सोचते हैं इतना जल्दी हो गई है सभी को कि क्या करें डियर। तो फ्रेंड, घर के गार्जियन जो माता पिता होते हैं दोस्तों, बच्चों को तैयार कराते हैं, करीब 25 साल में उनको चलने योग्य एक अच्छा लड़का बनाते हैं, लेकिन जो आजकल के लड़के हैं दोस्तों, वो सिर्फ 25 मिनट भी नहीं लगता अपनी शरीर गंवा देते हैं। ओके दोस्तों, इसीलिए निवेदन है कि बाइक अच्छे चलाएं और ठीक से चलाएं, आप भी स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो डियर, तो आप लोग कभी बाइक भी तेज़ ना चलाएं दोस्तों, ताकि दुर्घटनाग्रस्त ना हो, नहीं तो दोस्तों माता पिता तुमको 25 साल लगते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, हमारे शरीर एक अच्छा हृष्ट पुष्ट बना देते हैं दोस्तों, आप लोग उसे किसी भी दुर्घटना में ग्रसित हो जाते हैं, तो 25 मिनट का 25 सेकंड भी नहीं लगता दोस्तों, आप इतना तेज़ बाइक चलाते हैं, करीबन दोस्तों बाइक आप चलाइए 40 और 45 की रफ्तार में, बस इससे ज़्यादा नहीं। ओके डियर, तो फ्रेंड आप लोग सोच समझ कर कदम उठाइए। ओके डियर, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है दोस्तों। ओके माय फ्रेंड, तो ये है हमारे तरफ सबके बिजी हाईवे। ओके फ्रेंड, दोस्त देख सकते हैं वो आदमी इस हाईवे को पार कर रहा है किस तरह, ये देख लीजिए, बहुत ही सावधानी से उसको हाथ हाथ देख कर पार करना चाहिए, बट वह इंसान ऐसे ही चला गया। ओके डियर, तो फ्रेंड देखिए बगल में एक छोटी सी दुकान है दोस्तों, तो फ्रेंड आप लोग जैसा कि देख लिए ये हाईवे है। ओके डियर, आप इसमें देख सकते हैं पेड़ पौधे लगे हैं, फूल भी खिले हैं दोस्तों। ओके, चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं जो फूल खिले हैं हाईवे पर। ओके माय डियर, तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आप लोग मेरा सपोर्ट करिए दोस्तों, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ,
ब्लॉग वीडियो के माध्यम से मैं भी आगे जाना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ये हाथ जोड़ने से जो पोस्टर छपवाते हैं उससे कुछ नहीं होता दोस्तों, आप लोग अपना मेहनत खुद को करिए दोस्तों। देखिए बादशाह ढाबा है। ओके डियर फ्रेंड, तब दोस्तों हम लोग हाईवे का सैर कर चुके हैं, चलिए और आगे दिखाते हैं हाईवे का नज़ारा। देखिए दोस्तों ये हाईवे, इतनी गाड़ी चलती है, बीच में फटने लगा है दोस्त धीरे धीरे, जैसा आप लोग देख सकते हैं जूम करके। ओके डियर, तो सरकार से निवेदन है इसके अंदर कुछ भरा दिया जाए, नहीं तो गाड़ी फिसल कर गिर सकती है। ओके माय डियर, जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाएगी, तो सरकार से निवेदन है ये इसको जल्द ठीक कराए। बट दोस्तों हमारी वीडियो के माध्यम से कहाँ सुन सकते हैं सरकार लोग। देखते हैं दोस्तों कितनी तेज़ी में ये जा रही हैं गाड़ियाँ। ओके माय डियर, तो फ्रेंड हम लोग अब हाईवे पर आ चुके हैं और हाईवे को दिखा चुके हैं। अब हाईवे पर अब आप लोग चलो दिखाते हैं वो बीजी कॉलेज जो है उसके बारे में आपको बताएंगे। ओके डियर, तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं दोस्तों? ठीक है दोस्त, आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करिए। ओके, ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो दोस्तों उधर से देख लीजिए दो गाड़ी वाले आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी स्लो चलाएं और जल्दबाजी ना करें दोस्तों, वरना दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं आप लोग। अपने अंदर समझदारी लाइए और अपने बड़ों का बात मानिए। ओके माय डियर फ्रेंड, अगर मेरी बात किसी को बुरा लग रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। ओके, मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने छोटे भाइयों को बताना चाहूँगा। ओके, और बड़ों भाइयों को समझाना चाहूँगा। ओके दोस्तों, और अन्यथा दोस्तों मेरी जो गलती आप लोग मुझे क्षमा करें। ओके, तो फ्रेंड एक ट्रैक्टर आ रहा है सोनालिका कंपनी का, देख लीजिए अपने साइड नहीं चल रहा है दोस्तों, इसको कौन बताए। बादशाह ढाबा दोस्तों, तो आइए आपको दिखाते हैं उस कॉलेज, जो कॉलेज में बताया था कि इस कॉलेज में सबसे महंगी फीस है, जो कि छोटे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। ओके, और एक फार्मेसी कॉलेज भी है। तो दोस्तों छोटे बच्चे जो भी होते हैं उनका समझ लीजिए एक बहुत ही महंगी है, लेकिन फ़िलहाल उसी हिसाब से पढ़ाई भी है दोस्तों। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा फीस है इसकी। ओके डियर, तो दोस्तों ये नहीं होता कि
महंगे कॉलेजों में पढ़ाने से ही बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी सक्सेसफुल बनते हैं दोस्तों। ओके, ओके माय डियर, तो फ्रेंड देख सकते हैं कॉलेज वही कॉलेज है जो दिख रहा है दोस्तों, इसमें फीस सबसे महंगी है माय डियर। इस कॉलेज की फीस बहुत ही महंगी है, तो आइए कॉलेज को हम लोग पास से चलते हैं, देखते हैं। देख सकते हैं दोस्त, ये नर्सरी से फार्मेसी कॉलेज तक है। ओके डियर, देख सकते हैं इसका नाम है संस्कृति सृजन अकेडमी, कक्षा 1 से 10 तक CBSE बोर्ड मान्यता प्राप्त। ओके दोस्तों, यही है इस कॉलेज, इस कॉलेज में फीस बहुत ही महंगी है। ओके माय डियर, तो फ्रेंड यह नहीं कहा जा सकता कि एक बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले ही सक्सेसफुल होते हैं। ओके माय डियर, एक प्राथमिक विद्यालय का लड़का भी सक्सेसफुल बन सकता है। ओके, यही तो कॉलेज है माय डियर, और इसका एक पहला गेट था। आइए दोस्तों, इसको हम दूसरा गेट दिखाते हैं और गेट के अंदर भी चलते हैं। ओके माय डियर, तो फ्रेंड इस कॉलेज के अगल बगल देख सकते हैं कितने झाड़ियां हैं, लेकिन ये सब नहीं दिखाई, साफ़ करा दे, इसे कोई नहीं मतलब है, सिर्फ अंदर साफ होना चाहिए। ओके माय डियर फ्रेंड, इससे लगा हुआ ये हाईवे है। ये दूसरे कॉलेज का वत्सल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो कि पास में है दोस्तों। ओके डियर, जैसा देख सकते हैं माय फ्रेंड, तो दोस्तों इस कॉलेज का सेकंड गेट पर हम लोग आने वाले हैं, उधर है सेकंड गेट दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं। ओके माय डियर, देख सकते हैं दिख रहा सृजन एकेडमी, सॉरी सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। ओके डियर, सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, देख सकते हैं दोस्तों ये सेकंड गेट। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख लिए, ओके डियर, तो फ्रेंड मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो फ्रेंड आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें दोस्तों। और दोस्तों बगल में ही एक कंपनी है, उसको उसके बारे में आप सभी को बताते हैं, वो कंपनी कौन है दोस्तों, उस कंपनी का नाम है JP सीमेंट। ओके डियर फ्रेंड, देख सकते हैं जैसे JP सीमेंट का कंपनी है दोस्तों, देख सकते हैं यह है JP सीमेंट। ओके डियर, फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में नहीं बताएंगे JP सीमेंट के बारे में, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा बनेगा दोस्तों। आइए दोस्तों चलो दिखाते हैं JP सीमेंट के बारे में आप सभी को। ओके डियर, तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये JP सीमेंट है। ओके डियर, उस कंपनी को दूर से दिखा देते हैं दोस्तों, ये दिख रही हो तो देख लेते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड बाय, लव यू, आप लोग मेरा सपोर्ट करें उम्मीद करते हैं। ओके डियर।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने से यहाँ तक के। जय हिंद, जय भारत।